सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसईटीयूकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी, अभी पीछे मैंने कुछ टैक्स के जब वीडियोस करे थे, कि हम होम लोन पे मैक्सिमम कितना टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में मैं होम लोन पे जितने भी हमारे टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल रीपेमेंट से आए चाहे इंटरेस्ट रीपेमेंट से आए, सारे क्लॉजेस डिस्कस करूंगा। अभी रिसेंट बजट 2019 में 1.5 लाख की एक्स्ट्रा डिडक्शन अलाउ हो गई है, तो आज की डेट में हम होम लोन पे मैक्सिमम 5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारे कौन से क्लॉजेस हैं, कैलकुलेशन कैसे होगी, यही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, जिससे आपको ये पूरी कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहले तो हम कुछ कंडीशन समझ लेते हैं कि हमें होम लोन पे टैक्स डिडक्शन कब मिलेगा। अगर आपने कोई लोन लिया है फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, तो आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपने होम लोन पे। लेकिन अगर आपने कोई रेनोवेशन के लिए घर में कुछ काम कराना था, एग्जिस्टिंग घर के अंदर कुछ काम कराना था, उसके लिए लोन लिया है, तो आपको होम लोन का टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी बात का आपको ख्याल रखना है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, चाहे आप वो कंस्ट्रक्शन खुद कर रहे हैं या फिर आपने किसी बिल्डर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, तो वो कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर 5 साल से ज्यादा समय लगता है तो उस पर भी आपको होम लोन पे टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये लिमिट अभी बढ़ गई है, पहले ये 3 साल की ही लिमिट होती थी। तो कंस्ट्रक्शन आपकी 5 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए। दूसरी, जब आपका पूरा मकान कंप्लीट हो जाता है, आपको पोजेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद ही आपको होम लोन के ऊपर टैक्स डिडक्शन मिलता है। अब यहां पे मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, दो तरीके की टैक्स डिडक्शन होती है। एक होती है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे टैक्स डिडक्शन, यानी कि जब आप प्रिंसिपल अमाउंट भरते हैं हर साल, उस प्रिंसिपल एनुअल प्रिंसिपल अमाउंट पे एक टैक्स डिडक्शन मिलती है, जो सेक्शन 80C के अंदर मिलती है। दूसरी डिडक्शन होती है आपकी इंटरेस्ट कंपोनेंट पे। ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, ये जो आप कंस्ट्रक्शन के दौरान भी भर रहे हैं, उस पे भी आप टैक्स डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी जल्दी ही बात करता हूं। लेकिन ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ये आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान भी अगर कुछ प्रिंसिपल रीपे किया है, उस पे कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होती है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है, जो एक तरीके से गुड न्यूज है, बजट 2019 में जो इंट्रोड्यूस करी गई है, कि अब आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख सकते हैं। इस साल से पहले आप जिस मकान में रहते थे, खाली उसी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखा सकते थे, और दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप किराए पे देते थे या किराए पे नहीं भी देते थे, तो भी आपको उसका एक नोशनल रेंट कंसिडर करना पड़ता था। यानी कि मार्केट में जो रेंट चल रहा है, वो आपको अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में दिखाना पड़ता था। लेकिन इस साल से आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको उसका रेंट नहीं दिखाना पड़ेगा, तो जितना भी आप इंटरेस्ट भर रहे होंगे, तो वो आप अपना लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी में दिखा सकेंगे। कैलकुलेशन कैसी होगी, उसकी मैं भी जल्दी ही बात करूंगा। तो हम इनकम और लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी से पहले प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल रीपेमेंट पे आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स का लिमिट है वो होती है 1.5 लाख। उसके अंदर आपका होम लोन भी आ जाता है। तो किसी साल मान लीजिए आपका होम लोन का प्रिंसिपल पेमेंट 1.5 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट वैसे भी कोई करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा आप होम लोन का प्रिंसिपल पेमेंट ही सेक्शन 80C के अंदर दिखा सकते हैं। मैंने टैक्स सेविंग से रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस करे हैं, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के सेक्शन 80C के अंदर जो जो आती हैं उनके बारे में एक वीडियो में बताया है। विदाउट इन्वेस्टमेंट हम अपनी टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं, वो भी मैंने एक वीडियो किया था, आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब प्रिंसिपल रीपेमेंट की अगर हम बात करें, तो ये आप सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट प्रॉपर्टी दोनों के लिए ही क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये क्लेम कर लिए टैक्स डिडक्शन और साथ में आपने 5 साल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, तो आपके ये सारे टैक्स डिडक्शन, यानी कि जो भी आपने टैक्स बेनिफिट लिए थे, वो सारे रिवर्स हो जाएंगे। लेट से आपने 4 साल बाद अगर प्रॉपर्टी बेच दी, और 4 साल तक जितने भी आपने टैक्स बेनिफिट लिए थे, वो सारे आपके 4th साल में आपकी इनकम के अंदर एड हो जाएंगे, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से। यहां पर मैं आपसे एक चीज और शेयर कर लेता हूं, हालांकि वो प्रिंसिपल रीपेमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन जब आप मकान खरीदते हैं, जिस साल में खरीदते हैं, उस पर अगर आपने कोई स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरे हैं, वो भी आप सेक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, ये जो सेक्शन 80C की लिमिट है, ये टोटल 1.5 लाख है। अब आप उसको कैसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे आप प्रिंसिपल रीपेमेंट कीजिए, चाहे आप स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरिए, या फिर सेक्शन 80C के अंदर और भी इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, जैसे कि PPF, EPF, NPS, या फिर आपके ELSS म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यूलिप्स होते हैं, तो ये टोटल मिला के आपकी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख की होनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल रीपेमेंट की तो बात कर ली, अब हम इंटरेस्ट रीपेमेंट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट रीपेमेंट आपकी 2 जगह पे कवर होती है। पहला है आपका सेक्शन 24,
जो आपका इनकम या फिर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करता है। यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो टोटल आपका लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी है इस पे लिमिट लगी हुई है, मैक्सिमम 2 लाख तक का ही आप क्लेम कर सकते हैं लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब यहां पे 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो है कि अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो आपको रेंट तो कुछ लेना नहीं है, तो वहां पे आपका जो इनकम है वो खाली इंटरेस्ट ही है, यानी कि आप इंटरेस्ट पे आउट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट आपका जितना भी टोटल होगा, चाहे वो आपका इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन का कंपोनेंट हो, चाहे इस साल में आप जितना इंटरेस्ट भर रहे हैं, टोटल इंटरेस्ट पे 2 लाख की लिमिट लग जाएगी। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर आपका जो मैक्सिमम लॉस है एक साल में कंसिडर जितना आप कर सकते हैं वो भी 2 लाख की लिमिट है। और दूसरा जो मैंने आपसे इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन की बात करी थी, मान लीजिए आपकी 3 या 4 साल तक जो कंस्ट्रक्शन चली उस दौरान जितना भी इंटरेस्ट हुआ वो आप टोटल कर लेंगे और उसको आने वाले 5 साल में इक्वल कर देंगे डिवाइड। लेट से अगर आपका 5 साल का टोटल इंटरेस्ट था तो हर साल 1 लाख आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वही लिमिट लगेगी जो टोटल इंटरेस्ट है। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो टोटल इंटरेस्ट आप 2 लाख तक का क्लेम कर पाएंगे, अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो जो मैक्सिमम लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो 2 लाख का ही होगा। इनफैक्ट क्विकली इसको हम एक कैलकुलेशन से भी समझ लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि अगर आपने कोई होम लोन लिया है जिसका एनुअल प्रिंसिपल पेमेंट जा रही है 2 लाख रुपए और एनुअल इंटरेस्ट उसका जा रहा है 2.5 लाख रुपए, और जब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने जितना इंटरेस्ट भरा उसका, लेट से आपने ये होम लोन कंस्ट्रक्शन के दौरान ही ले लिया था, आपका जो भी मकान बन रहा था उस टाइम पे, तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जितना भी आपने इंटरेस्ट भरा वो टोटल मिला के आपने 5 लाख का भरा। तो ये जो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है, जिसे हम IDC कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये आप अगले आने वाले 5 साल तक क्लेम कर सकते हैं, यानी कि हर साल 20% क्लेम कर सकते हैं। तो ये 5 लाख का 20% हो गया, आप हर साल 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं एज टैक्स डिडक्शन। चलिए अब हम इस एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि आपने जिस मकान पे ये होम लोन लिया है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि आप उसके अंदर खुद रह रहे हैं, और जैसा मैंने पहले कहा कि अब 2 प्रॉपर्टीज आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं, तो अगर आपकी दूसरी प्रॉपर्टी भी है उसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह दिखाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 24 के अंदर हमें कैलकुलेट करनी होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होती है, पहले तो आपको ग्रॉस एनुअल रेंट देखना होता है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ये ग्रॉस एनुअल रेंट हो गया आपका 0, म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने कुछ भरे होंगे तो यहां पे एनुअल रेंट क्योंकि 0 है तो इस पे आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी, तो ये 0 ही कंसिडर करना होगा यहां पे। नेट एनुअल वैल्यू हो गई हमारी 0। उसके बाद डिडक्शन होते हैं ये मेंटेनेंस या रिपेयर्स के लिए, ये भी 0 ही होंगे क्योंकि ये 30% ऑफ दिस नेट एनुअल वैल्यू होते हैं। उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट ऑन होम लोन दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन होम लोन कितना हो गया हमारा 2.5 लाख, और ये है नेगेटिव अमाउंट। तो यहां पे ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट था ये मैंने यहां पे 2.5 लाख लिख दिया है। इसके अलावा IDC यानी कि इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इस 5 लाख का 20% कितना हो गया 1 लाख हो गया, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया है। अब इनकम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हो गई, अब आप ये पूरा टोटल एडिशन कर देंगे तो -3,50,000 आपकी इनकम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन यहां पे हमें पता है कि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, मैक्सिमम आपको जो डिडक्शन मिल सकता है वो खाली 2 लाख का मिल सकता है, तो इस 2 लाख पे आप मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपको जो टोटल इंटरेस्ट की लिमिट मिल रही है क्लेम करने के लिए वो 2 लाख की ही मिल रही है। सिमिलरली लेट आउट प्रॉपर्टी का भी हम केस डिस्कस कर लेते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब है आपकी जो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, या फिर हो सकता है जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी हो सकता है आपने रेंट पे दी हो। अगर रेंट पे प्रॉपर्टी दी है तो आपको उसका रेंट देखना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपने कंसिडर कर ली है और तीसरी भी आपने रेंट पे नहीं चढ़ाई है, उस केस में आपको डीम्ड रेंट लेना होगा, यानी कि मार्केट में जितना रेंट चल रहा है वो आपको कंसिडर करना होगा, जिसे हम नोशनल रेंट कहते हैं। और ग्रॉस रेंट में मान लेता हूं आपको लेट से 10,000 रुपए पर मंथ का आ रहा है, तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ग्रॉस एनुअल रेंट हो गया 1,20,000। इसमें से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं उसका सालाना वो आप माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4,000 ये माइनस हो गया, 1,20,000 में से 4,000 गया तो 1,16,000 बच गया। अब ये 1,16,000 में से आप मेंटेनेंस के लिए 30% निकाल सकते हैं, जो भी उसके अंदर रिपेयर होती हैं, जो भी आपका मेंटेनेंस का खर्चा आता है, चाहे सिक्योरिटी का, जो भी टोटल मेंटेनेंस है आपको अलग अलग नहीं लगाना है, ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 30% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। 1,16,000 का 30% हो गया 34,800। अब इंटरेस्ट ऑन होम लोन हमने कितना पे किया था, ये 2.5 लाख रुपए पे किया था, वो मैंने यहां लिख लिया है। IDC हमने कितना लेना है यहां पे, वही 5 लाख का 20% लेंगे,
एक लाख ले लिया मैंने यहाँ पे, अब आपका इनकम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया, आपने ये जब सारी फिगर्स ऐड कर दिए तो 268,800 का लॉस आ गया। लेकिन हमें पता है कि मैक्सिमम लॉस कितना अलाउड है, आप मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख ही दिखा सकते हैं, तो इस केस के अंदर भी आप 2 लाख की ही वैल्यू लेंगे टैक्स डिडक्शन के लिए। अब सेक्शन 24 में ये जो 2 लाख का डिडक्शन था, इसके अलावा यानी ओवर एंड अबव 1.5 लाख का डिडक्शन और अलाउ किया गया है, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जो है सेक्शन 80EEA। उसकी भी कुछ कंडीशन समझ लीजिए, अगर आप इस साल मकान खरीदते हैं यानी कि होम लोन भी इस साल ही लेते हैं और साथ में आप फर्स्ट टाइम बायर होने चाहिए, मतलब आपके नाम पे कोई और मकान नहीं होना चाहिए, और साथ में वो मकान की वैल्यू 45 लाख से कम होनी चाहिए यानी कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आना चाहिए, तभी आप इसको क्लेम कर पाएंगे। और उस केस में 2 लाख के अलावा जो सेक्शन 24 में हमने बात करी थी, ये 1.5 लाख की आप एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। अब इसके अलावा एक कंडीशन और है, अगर आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं ऑलरेडी सेक्शन 80EE के अंदर, सेक्शन 80EE लास्ट ईयर तक था जिसके अंदर आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन अवेलेबल था उस बाकी के 2 लाख के अलावा, जो अब एक तरीके से आप समझ सकते हैं 50,000 की जगह अब 1.5 लाख कर दिया गया है, अगर आप वो 50,000 वाली डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपको ये वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी। वो जो हम 50,000 की डिडक्शन की बात कर रहे हैं उसकी भी सिमिलर ही कंडीशंस थी, आप फर्स्ट टाइम बायर होने चाहिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम होनी चाहिए, लोन की वैल्यू आपकी 35 लाख से कम होनी चाहिए, और आपका जो लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के अंदर। तो अब अगर आप इस साल मकान ले रहे हैं तो आप वो पुराने 50,000 वाली लिमिट को भूल जाइए, अब आपको वो 1.5 लाख की लिमिट मिलेगी अगर आप इस साल लोन लेते हैं और अपना अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर अपना मकान खरीदते हैं तो। और हो सकता है ये आने वाले बजट यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर भी कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि हमने देखा था वो जो पीछे 50,000 वाली लिमिट थी वो भी काफी साल तक कंटिन्यू रही थी। तो जैसा मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में कहा था, इस साल आप होम लोन से ही खाली 5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, 1.5 लाख तो हो गए आपके प्रिंसिपल रीपेमेंट से, सेक्शन 80C के अंदर आप प्रिंसिपल पेमेंट रीपेमेंट ही अगर 1.5 लाख से ज्यादा की कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख का आपका टैक्स डिडक्शन हो गया सेक्शन 24 के अंदर और 1.5 लाख का आपका टैक्स डिडक्शन हो गया सेक्शन 80EEA के अंदर। इसके अलावा भी मैं आपको एक बोनस टिप दे देता हूं, अगर आपने ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदी है यानी कि आप को ओनर्स हैं और साथ में आपने ज्वाइंट होम लोन लिया है, चाहे आपने अपने मदर फादर के साथ लिया हो, चाहे अपनी वाइफ के साथ लिया हो, हस्बैंड के साथ लिया हो, उस केस में दोनों अपनी अलग अलग लिमिट्स ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी प्रिंसिपल रीपेमेंट जा रही है 3 लाख की सालाना, तो दोनों अपनी अलग अलग 1.5 लाख की लिमिट ले सकते हैं, और मान लीजिए आपकी इंटरेस्ट रीपेमेंट आपके मकान की जा रही है 7 लाख से ज्यादा, तो दोनों के दोनों 3.5 लाख और 3.5 लाख की रीपेमेंट क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक फायदा है ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदने का। इनफैक्ट ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदने के और भी क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा किसी आने वाले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, उनको भी होम लोन के टैक्स बेनिफिट्स पता चलें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आप फ्यूचर वीडियोज के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।